वेरी गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और फिर से लद्दाख के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम हैं अभी मंडी में। आज की यात्रा जो है हम मंडी से शुरू करने वाले हैं और शायद शिशु या फिर मनाली तक का सफ़र जो है आज तय करेंगे। कुछ प्लानिंग तो वैसा कुछ है नहीं, मनाली में वैसा कुछ स्टे वगैरह या फिर होस्ट वगैरह का कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं बार बार मनाली की बात नहीं कर रहा हूँ। शिशु में मेरे जान पहचान का एक जगह है जहाँ पे मैं जाके रुक सकता हूँ, जहाँ पे मैं कैंपिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपना टेंट लगा सकता हूँ, तो इसीलिए इतना श्योर से मैं मतलब शिशु की बात जो है वो बता सकता हूँ। और रही बात कल रात की, कल रात को बहुत ज़्यादा थक गया था हम, क्योंकि रात को ठीक से नींद भी नहीं आया था और फिर ट्रेन के सफ़र के बाद ही इतना लंबा सफ़र हिचहाइक करके आना तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। और मेरे साथ मनीषा है, उसकी भी थोड़ा तबीयत उतनी खास नहीं है, तो इन सब की वजह से कल रात को हमने ज़्यादा वीडियो वगैरह कुछ किया नहीं और जल्दी से हमने लंगर वंगर लेके फिर सोने चला गया। और सुबह सुबह आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, टेम्परेचर मैंने चेक नहीं किया है, अभी बज रहे सुबह के 7:30 और हम पूरा खाना वाना खा के रेडी हो गए हैं। सुबह सुबह हमने लंगर ले लिया है और होपफुली आधे घंटे के अंदर हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमारी जर्नी शायद 8 बजे तक यहाँ से शुरू हो जाएगी और हम चलेंगे टूवर्ड्स मनाली। स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है देवराज, आप देख रहे हो देसी ट्रैवलर। तो फाइनली हमें एक और एक घंटा लग गया रेडी होकर निकलते निकलते। हम अभी गुरुद्वारे से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 8:30। जाते हैं, देखते हैं कब तक क्या लिफ्ट मिलती है। बाकी मौसम ठीक ठाक सा है और धूप चढ़ा हुआ है, होपफुली आगे जाके गर्मी लगेगी, पर अभी तो मौसम ठीक ठाक सा है। जैसा भी होता है आप लोगों को बताते हैं और बाकी सब बढ़िया। सुबह की पहली लिफ्ट देखे भैया रोक दिए हैं। कहाँ तक जा रहे हैं भैया? पंडो मतलब मनाली के रास्ते। हम लोग दो बंदे हैं, ये डिक्की खोल देंगे, एक बैग तो डिक्की में घुसा देते। तो सुबह सुबह की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी हुई है। जैसे ही मैं गुरुद्वारे से निकला और ये भाई साहब से मिले, ये भाई साहब करीब 10-15 किलोमीटर मनाली तरफ जा रहे हैं, तो इनसे लिफ्ट मिल गया है। ये भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कौन सी जगह तक जा रहे हो भैया बोल रहे थे आप? पंडो तक जा रहे हैं, पंडो बोल के कोई जगह है। और पीछे बैठी है मनीषा। हाय गुड मॉर्निंग। ओके तो वो भाई साहब ने यहाँ उतार दिए, वो अपनी बेटी को लेने इस स्कूल में आए थे और हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं दूसरी लिफ्ट के लिए। लिफ्ट काफ़ी अच्छा था, रास्ता काफ़ी ख़राब था और धूल काफ़ी उड़ रही है, 4 लेन हो रहा है ना। अब हम दूसरी लिफ्ट की इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी सब बढ़िया एकदम ठीक है। एक गाड़ी आ रहा, देखते हैं इसमें लिफ्ट मिलने की चांसेस है। ये गाड़ी, ऐसे गाड़ी पर ज़्यादा मिलती है, अकेले चलते हैं ना लोग। कहाँ तक जा रहे हैं? भुंतर। भुंतर तक छोड़ देंगे, थैंक यू। चलो आसो, ये पीछे डिक्की खाली है सर जी, डिक्की। ओके तो वो भाई के उतार देने के बाद 2 मिनट ही करीब हुए होंगे, मैं स्कूल के सामने खड़ा था तो ये भाई साहब से मुलाकात हो गई। ये भाई साहब जा रहे हैं भुंतर तक, तो भुंतर कहीं करीब करीब यहाँ से 40-45 किलोमीटर का होगा, तो 40-45 किलोमीटर का लिफ्ट दोबारा से मिल गया है और बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो भाई साहब को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं आगे, आप नज़ारा एंजॉय करो। तो फाइनली कोथाय आसलाम जी? ना कुल्लू। कुल्लू ना चोके चोके कुत्ता, तुम एक कुत्ता बोलछी ओके ना। भुंतर भुंतर फाइनली भुंतर भाई ने उतार दिया, गाड़ी उन्होंने चलाया नहीं उड़ाया है बेसिकली, काफी तेज चलाया गाड़ी उन्होंने और रास्ता भी काफी खराब था और पिछले लिफ्ट में थोड़ा जाम भी मिला था तो वो भी मेकअप हो गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मौसम जो है वो बहुत बढ़िया हो गया है। लिफ्ट अभी ले नहीं रहे, थोड़ा मतलब नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं, थोड़ा पैदल चल रहे हैं।
जासकर गए पहले आप? नहीं, जासकर पहली बार जा रहा हूँ सर। गए हैं आप? केलोंग से हूँ मैं। अच्छा, आप केलोंग से हो। तो फिर खाने के लिए हम लोग रुके नहीं वहाँ पे, कुछ देर खड़े रहने के बाद ही भाई से मुलाकात हो गई। भाई भी ऊपर जा रहे हैं, कुल्लू तक जा रहे हैं, तो कुल्लू तक लिफ्ट दोबारा मिल गई है। भाई जी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके खा लेंगे। असल में ना मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो बारिश होने का संभावना भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो इसीलिए हमने फिर अगर मान लो कि लेट हो गया, फिर बारिश वारिश हो गया, तो अलग से झंझट हो जाएगा। तो आगे चलने का फैसला लिया हम लोग। का डर था वही हो गया, बारिश। ऊपर बादल देख रहे हो कैसे, एक चीज अच्छा भी है कि ऊपर स्नोफॉल मिलने का चांसेस भी है, ऊपर पूरा बादल लगा हुआ है, तो बारिश काफी तेज हो रही है। हम लोग खड़े हो गए, भाई ने हमें यहीं उतार दिया, कुल्लू में है अभी हम लोग, और अभी उस साइड चलेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। बहुत तेज बारिश आ गई थी, तो अभी बारिश थमने के बाद हम निकले। मौसम और भी काफी अच्छा हो गया है, आसपास का नजारा एक बार देख लो आप। कुल्लू में आपको एक आउटलेट मिल जाएगा था हाइकर्स बोल के, वहाँ से ये मैट लिया मैंने, ये 600 पड़ा। ये डिकैथलॉन में आपको इससे कम रेट में मिल जाएगा, पर वो वहाँ से खरीद के यहाँ बेचते हैं, तो आपको 600 में लेना पड़ा। मैं शॉप दिखा देता हूँ आपको। तो कम से कम डेढ़ घंटा कुल्लू में बिताने के बाद भाई से मुलाकात हुई। भाई उस तरफ ही जाएंगे, पटपुरा लेट जाएंगे, अभी भाई जाएंगे रायसन तक। तो ठीक है, चलते हैं, आप नज़ारा एंजॉय करो। भाई को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वो भाई जो है रायसन से थोड़ा आगे उतार दिए हैं, तो हम थोड़ा सा आगे आके खड़े हैं कुछ ऐसी जगह पे। खाली जगह पे खड़ा रहने से ना ठीक रहता है। एक गाड़ी रोक दिए, देखते हैं पीछे बैठ के जाते हैं, मस्ती आएगा। भाई साहब से मिले, और ये भाई जाने वाले हैं ये ब्रायन बोल के कोई जगह तक। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा भैया? 8-9 किलोमीटर के करीब दोबारा से लिफ्ट मिल गया। काफ़ी देर से खड़ा था, क्योंकि आज थोड़ा मतलब ट्रक का फ्लो जो है वो थोड़ा कम है। पिछली बार यहाँ पे काफ़ी मतलब ये मतलब छोटे छोटे ही सही पर ट्रक मिल रहे थे, तो ठीक है। आज थोड़ा मौसम भी ख़राब होने वाला है, इसलिए थोड़ा हम भी चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी पहुँच जाए, पर ऑलरेडी 3:30 के करीब बज रहा है, तो पता नहीं शिशु तक मतलब कितने बजे तक पहुंच पाएंगे, या फिर पहुंच पाएंगे कि भी नहीं, वो भी ठीक नहीं है। तो भाई ने ब्रायन तक उतार दिया है, वो लिखा हुआ देखिए ब्रायन, ये मुझे भी पता नहीं था यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बारिश का यहाँ बहुत चक्कर है, रास्ता पूरा भीगा हुआ है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। मैंने वेदर चेक किया, वेदर में भी कोई फॉरकास्ट वगैरह नहीं था, थोड़ा अभी लग रहा है टायर्ड सा, इतने देर पहुँच जाना चाहिए था पर मिल नहीं रहा, ट्रैफिक थोड़ा कम है और लिफ्ट विफ्ट का चक्कर भी थोड़ा कम ही है। तो ठीक है, थका हुआ हूँ, थोड़ा कम व्लॉगिंग करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन पूरी आएगी। फिर से बारिश, ब्रांड में ही खड़े हैं, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं। पता नहीं कब तक पहुँचेंगे शिशु, गाड़ी एक के बाद एक निकली जा रही है, और बारिश के लिए रुक नहीं पा रहे हैं। देखते हैं कब तक रुकता है, फिर बताते हैं। टाइम हो रहा है 4:15। बारिश तो रुक गई है पर लिफ्ट का कोई नामो निशान नहीं है, रास्ता ऐसा खाली है। मेरे ख्याल से वेदर की वजह से ही रास्ता थोड़ा खाली खाली भी है, और लोग रुकना भी नहीं चाह रहे हैं। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया बारिश के बाद। टाइम हो रहा है 4 और लिफ्ट अभी तक नहीं मिली है। ज़्यादातर सब कमर्शियल गाड़ियाँ ही है, तो कमर्शियल गाड़ियाँ उतनी जल्दी रुकती नहीं है, तो उनको हाथ दिखाना बेकार है, फिर वो सोचते हैं कि भाड़े के लिए रुक रहे हैं। तो ठीक है, अभी कितने बजे तक पहुँचेंगे कोई ठीक नहीं है, मनाली तक ही पहुँच पाएंगे कि नहीं कोई ठीक नहीं है, क्योंकि 4 बजे तक का मेरा डेडलाइन रहता है। पर अरे यार, ये गाड़ी सही था। अगर आप बस में जाना चाहते हो ना, तो बसेस का काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है,
मनाली तक काफ़ी सारे बसेस मिल जाएंगे और प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिल जाएंगे आपको, और आपको 2 मिनट बाद आपको बसेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बस का जो सर्विस है वो बहुत बढ़िया है, बाकी सब भी बढ़िया है। 1 मिनट, कहाँ तक जा रहे हो भैया? हाँ कहाँ तक जा रहे हो बोलो तो। अरे मेरे साथ और भी लोग हैं, और भी लोग हैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, अरे यार आप पिए हुए हो? अरे कोई दिक्कत नहीं था, आप निकल जाओ, मेरे को थोड़ा डर है इसीलिए, समझ रहे हो, माइंड मत करना भैया। तो भाई साहब पूरे दारू पी के चूर थे, बोतल वोतल एकदम लिए हुए थे तो एकदम, और पिए भी हुए थे, मतलब अपने होशो हवास में नहीं थे। जैसे यहाँ पर जैसे ब्रेक लगाए मुझे वैसे ही पता चला कि उनका थोड़ा मतलब चढ़ा हुआ है पारा। तो आप देख के चढ़िए, आपका अगर लेट भी हो रहा तो ऐसे लोगों के साथ मत चढ़िए जिसमें आप अनसेफ फील करो। तो ठीक है, नेक्स्ट लिफ्ट जब तक मिलती है तब बताते हैं, बाकी एनर्जी अभी फुल डाउन है और हाथ पैर भी दुख रहा है। तो ठीक है, जैसे कुछ मिलता है आपको बताते हैं, बाकी सब बढ़िया। मनीषा वहाँ दुकान में बैठी हुई है, यहाँ बारिश हो रहा था तो मैं बोला कि मैं देखता हूँ, आप बैठो यहाँ पर। ट्रैक का बहुत ज़्यादा लोड है और बाकी मौसम चिल है, ऊपर भी शायद ठंडा है, सुन रहे हैं आप, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और बाकी कुछ बोल रहे नहीं अभी कुछ नहीं बोल रहे, यही चलेंगे, यही नीचे जाएंगे, कहाँ धसोगे और नीचे।